सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज उम्मीद करते हैं कि गाइज आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि गाइज काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए देखा आपने ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया। और अभी हम सुबह सुबह यहाँ पे छानी आए, तो अभी बज रहे हैं फाइनली 6 और दादी जी देखो यहाँ पे जा रहे खेतों में हल लगाने। तो आज हम भी हल लगाएंगे, तो मैं लाए वाला बैल बड़कोट से। बाकी कंटिन्यू मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था, कुछ काम ही था अपना, कंडीशन ही ऐसा रहा। तो चलो यार करते हैं ब्लॉग, ज्यादा नंबर तो है, स्टार्ट लेट्स गो। तो ये आ गए दोस्तों हमारे बैल के मास्क, मास्क हो गया गाइस। तो दोस्तों थोड़ा सा नाश्ता नुश्ता कर लिया है, क्योंकि काफी अब देर तक हमने खेतों में रहना है। बाकी आज का मौसम देखे यार, तो गाइस आज का मौसम काफी बारिश वाला हो सकता है, क्योंकि सुबह से मौसम जो है आवाज़ कर रहा है। लेकिन अभी देख सकते हैं आप, हर जगह बादल ही बादल, मतलब बारिश की संभावना बनी हुई है। तो यार चलते हैं खेतों में जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि जो ये बैल है ये जाने खेतों में हल लगाने के लिए, ना तो बारिश हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमने गिने ना तो 10 खेत आ रहे सीधा, तो 10 खेत लगाने पड़ेंगे आज। तो चलो देखते हैं कितने टाइम तक लगता है खेत। वैसे हल्का हल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो चलो यार पहले चलते हैं खेत में, वहीं पे आके ब्लॉग शूट करते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि बारिश को भी देखना है, कहीं बारिश आ गई तो बारिश प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो यार कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं खेत में, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पापा जी आ रखे हैं और लगा रहे हैं हल। तो ये हल जो लगता है एक सींग छोड़ के लगता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा खेत हैं, जो कि साइड ऊपर भी हैं कुछ। तो अभी ये हमारा फर्स्ट खेत है, लोग यहाँ पे इस प्रकार से लगता है, एक नीचे एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक। तो ये सरला ही होता है, जल्दी जल्दी लग जाता है, इस प्रकार से इधर खेतों में लगा रखा है। तो अभी लगाएंगे इसको, और उसके बाद दूसरे वाले खेत में भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खेत हैं लगाने को। और बाकी ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहता रहेगा, बस मौसम साथ दे, यानी बारिश ना लगे, क्योंकि बारिश की काफ़ी ज़्यादा भी संभावना बन रही है। तो देखो इस प्रकार से लग रहा है हल खेतों में। फाइनली आप नीचे देख सकते हैं कि एकदम लग गया इस खेत में हल 5 मिनट में, और दूसरे वाले खेत में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम दूसरे वाले खेत में आ चुके हैं, और नीचे वाला जो खेत है वो फाइनल हो चुका है, यानी उसमें पूरा हल लग गया है। और बाकी आजकल पहाड़ों में काफी खूबसूरत हरियाली छाई हुई है, हर जगह देखो यहाँ पे हरियाली हरियाली हर जगह। तो अभी देखो यहाँ पे इस पे भी लग जाएगा, जल्दी ही लग जाएगा, 2 मिनट में लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें 5-10 मिनट टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और चलो थोड़ा सा हल मैं भी लगा लेता हूँ पापा के साथ, क्योंकि पापा ने चला खेत भी लगाया। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं भी हाथ देता हूँ, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे एक दूसरे का हाथ उठाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, यही पहाड़ों में सबसे अच्छा लगता है मेरे को। कल्चर जो पहाड़ का कल्चर है काफ़ी अच्छा कल्चर है, फेमस कल्चर है। तो चलो यार अभी थोड़ा सा पापा के साथ मैं भी लगाता हूँ हल। तो फाइनली हम आ चुके हैं दूसरे खेत में, पास करने के आते रह रहे आते रह रहे आते रह रहे। तो वेरी जल्दी लग रहा है ना हल्की एकदम, मतलब छोटे छोटे खेत हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो बस इतने ये 2 मिनट का काम है, देखो यहाँ पे इतने जल्दी यहाँ से इतना
ऊपर आ गया। देखो कहाँ से कहाँ था। तो ऐसे एकदम फटाफट यह हल लग रहा है और बाकी मौसम साथ दे, बारिश ना लगे। बस बारिश की दिक्कत, बारिश लग गई ना तो पोपट हो जाएगा पूरा। बाकी अभी लगे हुए हैं कंटिन्यू इसके ऊपर भी एक खेत यहाँ पे, और बाकी हरियाली तो आप देख ही सकते हैं कि प्यारी सी हरियाली है, प्यारा सा व्यू एंड नाइस लुक। तो अभी लगाते हैं इसको और देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज काफ़ी खेत हैं लगाने को, और यार जिसकी बात करें वही होने लग गया, हल्की हल्की बारिश लगने लग गई। तो हल्का फुल्का चलेगा, बूंदे बांदे चलेगी। बाकी पहाड़ों में आजकल ना मौसम साथ नहीं दे रहा है, कभी भी जब मन कर रहा था बरस रहा है सीधे, मतलब बारिश कंटिन्यू लगी रही है। कल नहीं लगा था शायद, कल लगा देते तो बढ़िया बढ़िया ही रहता। तो चलो लगी गया, देखो यहाँ पे पावन ये भी खोल दिया है, तो आज ये बैल भी साथ नहीं दे रहे यहाँ पे देखो, और अभी खुल गया देखो यहाँ पे। और अभी ये इन्होंने मेरे को ऐसा भगाया ना, क्या ही बोले गाइस। मैं फोन तो मेरा रखा हुआ था ट्राईपोर्ट पे, बता नहीं पाया आपको। तो चलो अभी लगाते हैं और बारिश ना लगे, बाकी बात देखते हैं कि टाइम लगता है आज लगाने में। चलो कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली हमने लगा दिए हैं 6 खेत पूरे, और 7वां है ये वाला खेत जिसमें हम लगा रहे हैं। तो इसमें दाल भी है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे मंडुआ भी है, यानी जिसको हम घर की भाषा में, घरिया भाषा में कोदू बोलते हैं। तो अभी जो मंडुआ है एक राउंड इसके ऊपर हल लगा रखा, तो दोबारा हम उसी सीन जाते हैं। इस देख सकते हैं आप, ये अब तक मैंने लगाया इसलिए मैं ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पाया, बता नहीं पाया आपको। बाकी अभी 7वां खेत है, और उसके बाद 3 4 4 खेत और हैं, तो वो भी लगाना है। तो 2 तो छोटे छोटे हैं, लेकिन 2 बड़े हैं ठीक ठाक। तो थक भी काफ़ी लग गई गाइस, और मौसम भी थोड़ा सा साथ दे रहा है, बारिश नहीं हो रही है। बाकी यहाँ इतनी सारी मक्खियाँ हो रही ना, क्या बोले, परेशान कर दी। तो देखो दोस्तों अभी लगा रहे हैं इसको ढंग से, चलो इसको लगने वाला है, उसके बाद चलेंगे यहाँ से नीचे वाले खेतों में, जो कि घर के ही थोड़ा पास है, ज़्यादा दूर भी नहीं है घर से। लेकिन जो ये दूर दूर के जो खेत हैं वो फाइनली हमने लगा ही दिए हैं, लेकिन जहाँ पे रहा हुआ है वो थोड़ा घर के पास है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमको। बाकी प्यास भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस, क्या ही बोले। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कहाँ जा रहा है, तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं घर पे वापस, क्योंकि सारे खेत में हल लगा दिया है। बाकी बैल इधर चल रहे हैं हमारे आगे, और मेरे पास अभी हल है, पीछे से एक दादी आ रही, उसका हल भी लगाया था मैंने, तो काफ़ी थक लग गई है। चलो पहले घर पे मिलते हैं, घर जाते हैं मतलब, फिर मिलते हैं आपको। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे, और मेरे कपड़े के बुरे हाल देखो गाइस यहाँ पे। ये हमारे छाने वाले कपड़े हैं, इनको हम छाने में पहनते हैं, जिससे कि जो घर के कपड़े होते हैं गंदे ना हो और फटे ना जल्दी। बाकी यार गाइस थकी थी ज़्यादा लग गई आज की, क्या ही बोले, मतलब मन कर रहा है कि सीधे सो जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में एक दिन में 13 से 14 खेत लगा रहा हूँ। मैं कुछ तो पापा लगाए थे मेरे साथ सुबह, बट उसके बाद पापा चले गए थे बटकोट काम था, तो मैं उसके बाद मैंने लगाया मतलब, और थकी इतनी ज़्यादा लगी क्या बोले। बाकी आज सोने का मन तो ऐसा कर रहा है कि सो जाना था, लेकिन गाइस ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा सा यहाँ से बटकोट जाते हैं, तो बटकोट ही सोएंगे फिर क्या करें, क्योंकि आज शाम के टाइम जाऊँ तो शायद बारिश भी हो सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश बहुत तगड़ी लग सकती है बाद में, कि मौसम सीधे खतरनाक स्थिति में है, मतलब कांड स्थिति बोलते हैं जिसको। तो चलो यार थोड़ा बड़कोट के लिए भी तैयार त्यार होते हैं और चलते हैं बड़कोट, क्योंकि अगर मैं यहाँ सो गया तो मेरे को एकदम नींद पड़ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को थक इतनी ज़्यादा लगी हुई है, और बाद में नींद खुलेगी तब तक शायद बारिश होगी, तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा, दिक्कत होगी, क्योंकि छाता यहाँ की है मम्मी के लिए चाहिए। तो ऐसा करते हैं जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक मैं खुद बड़कोट जाता हूँ, और मेरे साथ बैल भी है, जो मैं रेड कलर वाला बैल, नहीं इधर रेड कलर वाला बैल, ये वाला बैल, तो उसको ले जाना भी बड़कोट, क्योंकि एक बैल हमारा है, एक मतलब दूसरे वाले दादा का है, तो जिसको हम बोलते हैं साजा, साजा मतलब दोनों ने रखे हुए एक साथ अलग अलग एक एक बैल। तो चलो यार बड़कोट के लिए तैयार होते हैं और चलते हैं बड़कोट के लिए, ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि बारिश भी हो सकती है, और अगर यूं ही बात ही करते रहे तो शायद यार कुछ भी हो सकता है। तो चलो चलते हैं कंटिन्यू।
कंटिन्यू, लेट्स गो। दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, कपड़े चेंज कर लिया हूँ, अब चलता हूँ यहाँ से बड़कोट के लिए कंटिन्यू, क्योंकि गाइस बारिश भी लगने वाली है ऊपर ऊपर, देखो इस साइड तो बारिश हो रही है हल्की फुल्की। तो बाकी अभी ये बैल मेरे को ले जाना है यहाँ से बड़कोट, तो चलते हैं गाइस कंटिन्यू, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैं काफ़ी चल चुका हूँ अपने झाली से बड़कोट के लिए, बाकी गाइस ये चल रहा है हमारी जो हमारा बैल है आगे, और आपको मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको वाइट जल मैंने सफ़ेद पानी, देखो यहाँ पर सफ़ेद पानी आ रहा है ऊपर से, इधर से आ रहा है ऐसे। और आजकल क्यारिक जो होती है वो भी, उनकी रोपाई भी हो रही है, क्यारिक उनकी रोपाई भी हो रही है, हर जगह देख सकते हैं आपकी रोपाई हो रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पे एक महिला भी आ रही नीचे से, इधर से देखो नहीं को लेके, बाकी हर जगह इधर जितने भी क्यारिक हैं उनमें सारी रोपाई हो चुकी है। बाकी गाइस हम अभी चलते हैं कंटिन्यू। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं बड़कोट, और गाइस रास्ते में तो हल्की बारिश होने लग गई थी शुरू, अभी भी बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और गाइस थक भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है, फिर मेरा पोपट हो गया गाइस, क्या ही बोले, ये चीज़ होता है ना, ये OTG होता है जो, ये चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये चीज़ जो है ये तो मेरा ही वो सोने दे रहा है माइक पे, जो मेरा कॉलर माइक है ये चीज़, तो इस पर वो सो दे नहीं रहा है, तो बट मैंने नया लाया था ऐसा ही दूसरा, वो सो दे रहा था लेकिन वो कहीं खो गया अभी रास्ते में, जिससे कि मैं सुबह ब्लॉगिंग शूट कर रहा था, अब देखो अभी यहाँ पे बिना माइक के मुझे ब्लॉगिंग शूट करना पड़ रहा है, क्या करें गाइस, अब वो फोटो गया आज तो खो गया ये वाला, एक तो हैमर पे ये वाला, लेकिन ये यूज़ काम नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है माइक को, तो जिससे कि ये इसका मिसयूज़ हो रहा है, मतलब ये इसका कोई यूज़ नहीं है, और जिसका यूज़ नहीं था वो खो गया कहीं अभी जेब से, जब मैं बटको डाल रहा था शायद तब गिर गया, तो अभी आ गया पोपट हो गया। बाकी यार गाइस अभी काफ़ी लग रही है, तो चलो अभी सो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको सोने के बाद, जिससे कि थोड़ा सा थकान भी निकल जाए, क्योंकि सोना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मेन है, चलो सो जाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली मैं सो के उठ चुका हूँ, और मैं सोया था 1 बजे, और अभी बज गए हैं 6, तो उठ तो मैं ऐसे किया था 5:30 बजे मिनिमम, तो आज काफ़ी सोया मैं, क्योंकि थक काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी आज, इन जगह दर्द हो रही है भयंकर वाली, भयानक वाली दर्द हो रही है, क्या ही बोले, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पापा के साथ आज इतने सारे हल लगाया, मैं कभी लगाया नहीं अपने टाइम पे, मतलब इतनी मेरी उम्र हो गई 18 साल मिनिमम, तो मैं इतना हल्का भी नहीं लगाया है, आज ही लगाया, और वो पड़िया भारी, तो यार थक भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, अभी तक नींद आ रही है, अभी भी कि सोना था क्या, ज़्यादा सही नहीं है ना, थोड़ा रेस्ट इधर उधर भी घूमना चाहिए। तो गाइस आज का मतलब देखो, मतलब बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आपके लिए आज, तो ऐसा होता है ना कि अगर कुछ चीज़ हम कंटिन्यू करते हैं तो आदत रहती है, लेकिन अगर उसको हम छोड़ देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो मतलब वही दिक्कत मेरे साथ हो रही है आज, मतलब क्या बोल रहा हूँ पता नहीं लग रहा, ऊपर से यार गाइस मतलब जो माइक है वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जो उसकी OTG है वो खो गई है, मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब मैं आवाज़ में आप देख रहे होंगे कम ज़्यादा ब्लॉगिंग में आवाज़ नहीं, कभी कम आ रही कभी ज़्यादा आ रही, तो जिससे कि दिक्कत हो रही है। बाकी यार मौसम तो आ देख सकते हैं आपकी, मतलब बारिश संभावना काफ़ी है, तो रात भी आ सकती है बारिश, जब मैं बड़कोट आ रहा था तब भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, देख सकते आप खेत भी हल्के फुल्के गीले हो रहे हैं इधर, बाकी इधर हमारे प्यार से फूल अभी दिखाता हूँ आपको, क्लोज जाके काफ़ी प्यारे फूल हैं। रात भी काफ़ी हो चुकी है, आप देखते हैं बाहर की रात काफ़ी हो चुकी है, और फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन जो प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।